नमस्ते साथियों, आज लेकर आया हूँ मैं आपके लिए एक कहानी, एक राजा की। एक राजा जिसके रानी भी थी और सात बेटियाँ भी थी। बहुत अच्छे से राजा शासन चला रहा था, तो उसे इस बात का घमंड आ गया कि मैं इतनी बड़ी प्रजा का संचालन कर रहा हूँ, इतने बड़े एम्पायर को मैं संभाले हुए हूँ। तो उसने सोचा, क्यों नहीं मैं एक दिन ये जानने की कोशिश करूँ कि प्रजा क्या कहती है मेरे लिए। तो उसने प्रजा में ढिंढोरा पिटवाया, अपनी बेटियों से पूछा, अपने सभासदों से पूछा, राज्य में रहने वाले हर एक नागरिक से पूछना चाहा उसने कि आपका पालनहार कौन है। लगभग सभी ने एक ही सुर में जवाब दिया कि आप ही हमारे पालनहार हैं, आप हमारे राजा हैं, तो आपके अलावा हमारा और पालनहार कौन होगा। राजा को जब ऐसे जवाब मिलते थे तो बड़ा संतुष्ट होता था, उसे बड़ी संतुष्टि मिलती थी ऐसे जवाब सुनकर। पत्नी से पूछा कि आप बताओ आपका पालनहार कौन है, तो उसने कहा, आपके साथ मैंने सात फेरे खाए हैं और आप ही मेरे पालनहार हैं। उसके बाद उसने कहा, मैं अपनी बेटियों से भी पूछता हूँ, सात बेटियाँ थी, पहली से पूछा, दूसरी से पूछा, तीसरी से पूछा, चौथी से पूछा, पांचवी से पूछा, फिर छठी को भी पूछा और उसके बाद सातवीं को भी पूछा। छह बेटियों ने एक ही जवाब दिया कि पापा आप ही हमारे पालनहार हैं, मगर सातवीं बेटी ने जवाब जो दिया वो बिल्कुल अलग था। उसने कहा, पापा मेरे पालनहार तो ऊपर वाला है। राजा को बड़ा बुरा लगा, उसने कहा, मैं तुम्हें पालता हूँ, मैं तुम्हारी सब व्यवस्थाएं करता हूँ और तुम मेरा एहसान नहीं मानती हो और ऊपर वाले को पालनहार बताती हो जिसको तुमने देखा तक नहीं है। बेटी ने कहा, पापा आप तो केवल निमित्त मात्र हैं, पालने वाला तो वही है ऊपर वाला, आपको एक निमित्त बनाया है। राजा को बड़ा बुरा लगा कि इतना समझाने के बावजूद बच्ची समझी नहीं। उसने कहा, वक्त आने पे मैं इसका जवाब दूंगा। बच्चियां बड़ी होने लगी, सयानी हुई, एक एक कर राजा ने सब बेटियों को विदा किया। छह बेटियों को विदा कर चुका, सबके संबंध बहुत ऊंचे घराने में किए, एक से एक अच्छा वर ढूंढा, कमाने वाला वर ढूंढा, अच्छा घर परिवार देखा। अब चूंकि सातवीं बेटी को उनको सबक सिखाना था, इसलिए उनकी शादी, जो सातवीं बच्ची थी उसकी शादी जो है वो एक जंगल में रहने वाले इंसान से कर दी थी, जो रोजाना कमाता था और रोजाना खर्च करता था। उसका स्वास्थ्य भी कोई बहुत अधिक अच्छा नहीं था। और राजा ने शादी के बाद अपने बच्चे से कहा, अब देखता हूँ तेरा पालनहार कौन है, तुझे पता चल जाएगा कि तेरा पालने वाला मैं हूँ या ऊपर वाला है। बेटी खुशी खुशी घर से विदा हुई। उसे अपने प्रभु पर बड़ा विश्वास था, वो अंत तक यही करती रही, पापा पालनहार तो ऊपर वाला है। अब जिसके साथ शादी हुई वो बीमार रहने लगा, तो उसकी सेवा की नौबत आ गई और घर में कोई रोजगार का साधन था नहीं। जो उसका पति था वो लकड़हारा था, वो रोजाना लकड़ियाँ लाता, बेचता और उससे अपना घर चलाता। अब उसकी पत्नी ने, यानी कि राजा की उस लड़की ने, जंगल से लकड़ियाँ काटना शुरू किया, काट कर उनको बेचना शुरू किया, फिर अपने पति के लिए दवा लाती थी उस कमाई से, उस दिन भर की मेहनत से दवा लाके अपने पति को कुछ दुरुस्त तंदुरुस्त किया, मगर फिर भी ऐसी स्थिति नहीं थी कि वो पूरा ठीक हो पाया हो। उसके बाद जब कुछ स्वास्थ्य सुधार आया, तो जहाँ से वो दवा लेके आती थी वहाँ ये बताया उसने, उसके वैद्य ने, कि अपने पति को आप रोजाना दूध पिलाया करो। वो और जी जान से काम में जुट गई, अधिक कमाने की सोचने लगी ताकि दूध भी ला सके। फिर वो दूध लाने लगी, अपने पति को दूध पिलाने लगी। उस दूध में कुछ दूध बच जाता था तो वो एक कटोरे में डाल के एक नाग नागिन पास में रहते थे उनको पिलाने लगी। नाग नागिन का भी नियमित का क्रम हो गया कि रोजाना आके दूध के कटोरों में से दूध पी के चले जाते थे। एक दोस्ताना सा ताल्लुक हो गया नाग नागिन और राजा की लड़की के बीच में। अब रोजाना वो दूध पीते हैं। एक दिन रात को नाग नागिन ने सोचा कि लड़की कितनी मेहनत करती है, कितना परिश्रम करके कमा के लाती है और फिर भी अपने लिए दूध की व्यवस्था करती है, बचा हुआ दूध खुद नहीं पीती है, अपने को पिलाती है। तो नाग नाग ने सोचा कि
इतना जो परोपकार कर रही है उसके साथ अपने को भी कुछ परोपकार करना चाहिए। यहाँ यह विश्वास किया जाता है कि जहाँ नाग नागिन रहते हैं वहाँ धन भी होता है। तो नाग नागिन ने उस बच्ची से, उस लकड़हारे की पत्नी से, उस राजा की बेटी से कहा कि बेटी जहाँ हम रहते हैं वहाँ तुम हाथ डालना, डरना नहीं, उसमें बहुत सारा धन निकलेगा, वो तुम्हारे लिए है, तुम उस धन को ले लेना। रात को उस लड़की ने वहाँ जहाँ सांप रहते हैं वहाँ हाथ डाला और सचमुच बहुत सारा धन उसको मिला। तो उसने सबसे पहले तो अपने पति की स्वास्थ्य की अच्छी कामना के लिए उसका उपचार कराया और पति पूर्णतः ठीक हो गया। उसके बाद उसने एक राजमहल बनवाया अपने लिए और गरीबों के लिए मकान बनवाया। जो आसपास में प्रजा थी, जो लोग रहते थे, जो नागरिक थे, उनके लिए उसने मकान बनवाए। उनके बच्चों के लिए उसने बहुत कुछ स्कीम्स चलाई, बच्चों का भला किया, साथ रहने वालों का भला किया, अपने लिए अच्छा मकान बनाया। जब नाग नागिन को ये लगा कि अपन ने जो भी इसको धन दिया है वो इसने परोपकार में लगाया है, अपने लिए तो लगाया है मगर साथ में परोपकार भी किया है, तो इसको कुछ और धन देना चाहिए। एक रात नाग नागिन दोनों सोच रहे थे कि अब अपना अंत समय नज़दीक आने वाला है, जो अपने पास है वो भी अपन इसी राजा की लड़की को, जो लकड़हारे की पत्नी थी, उसको दे देते हैं। तो जैसा कि आप सभी जानते हैं, सुना होगा किस्सों में, नाग नागिन के पास मणि होती है। तो उन्होंने एक दिन कहा अब हमारा अंत समय नज़दीक आ गया है, हमारी जो मणि है वो तुम रख लेना, और जहाँ से तुमने ये खजाने में से, हमारे खजाने में से धन निकाला है, वहाँ और बहुत सारा धन है, वो भी तुम्हारे लिए है। अब उसके पास अथाह धन हो गया, मणि तो बेशकीमती होती है, तो रोज़ाना ऐसे लोगों को भोजन करवाती थी जिनके पास भोजन की कोई व्यवस्था नहीं थी। तो एक दिन उसने देखा कि उसकी जो बहनें थी वो भी उस भोजन की लाइन में लगी हुई थी। वो देखकर अवाक रह गई। उसने कहा अरे आपकी शादी तो बहुत अच्छे अच्छे ऊंचे ऊंचे घरों में की थी, आप यहाँ भोजन की लाइन में कैसे हैं? उन्होंने रोते हुए अपनी कहानी सुनाई और इस तरह उन बहनों को भी उसने अपने पास रखा और उनके लिए अच्छी व्यवस्था की। उसी लाइन में राजा भी लगा था, उसके पास भी भोजन की कोई व्यवस्था नहीं थी। समय कब बदलता है कुछ कहा नहीं जा सकता। उस राजा को भी उसने बहुत सारा धन दिया और राजा ने उस धन के माध्यम से अपना वैभव वापस लौटाया। कहने का तात्पर्य है साथियों कि कभी भी हमें यह अहंकार नहीं करना चाहिए कि हम किसी को पाल पोस कर बड़ा कर रहे हैं। सबके निमित्त से ऊपर वाला देता है, हम उसके निमित्त मात्र होते हैं। इस कहानी का यही सारांश है। एक नई कहानी लेकर फिर उपस्थित होऊंगा, तब तक के लिए इजाज़त, धन्यवाद।